कर्नाटक विधानसभा के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रदुर्ग में जनसभा को किया संबोधित, कहा भाजपा का संकल्प पत्र कर्नाटक और देश और नंबर देश को नंबर वन बनाने का है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। चुनावी घोषणा पत्र में गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि और शक्ति की पांच गारंटियों को कांग्रेस ने दोहराया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया घोषणा पत्र। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत और चीन के नेतृत्व वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र के विकास 2022 के 3.8 पर पहुंचने के कही बात। संकट ग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए ऑपरेशन कावेरी युद्ध स्तर पर जारी। जद्दा से 231 प्रवासी भारतीयों को लेकर अहमदाबाद पहुंचा भारतीय विमान। वहीं भारतीय वायुसेना की विशेष फ्लाइट से भारतीय नागरिकों का 17वां जत्था सोमवार को पोर्ट सूडान से जद्दा पहुंचा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह से की मुलाकात। द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर की बात राजनाथ सिंह। मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल और लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में सौंपेंगे। मालदीव में चल रहे परियोजना स्थलों का दौरा करने के साथ ही प्रवासी भारतीयों से भी करेंगे बातचीत। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रनों से हराया। वहीं आज गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक के चुनावी समर की। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार दिन ब दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो से कर्नाटक का चुनावी माहौल इस समय गर्माया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चित्रदुर्ग में चुनावी रैली की है। पीएम ने कहा आजादी के अमृतकाल में कर्नाटक का ये पहला चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटक को नंबर वन राज्य बनाने का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले 25 वर्षों में कर्नाटक विकास की किस ऊंचाई पर होगा। कर्नाटक का बीजेपी के नेतृत्व को आज सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई दूंगा। कल जो उन्होंने संकल्प पत्र घोषित किया है, ये बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र लेकर आए हैं। इसमें कर्नाटका को देश का नंबर वन स्टेट बनाने का रोड मैप है। इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर है। और इसके बाद पीएम होसपेट और सिंधानुर में चुनावी जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा पीएम देर शाम कलबुर्गी में भी एक रोड शो करेंगे। और पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस कभी भाजपा के विकास कार्यों का मुकाबला कर ही नहीं सकती है। कांग्रेस ने 2014 से पहले के 10 वर्षों में जितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, भाजपा सरकार ने उससे दोगुने मेडिकल कॉलेज सिर्फ 9 वर्षों में बना डाले। बीजेपी के विकास कार्यों का मुकाबला कर ही नहीं सकती। कांग्रेस ने 2014 से पहले के 10 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज बनाए, बीजेपी सरकार ने
उससे दो गुने मेडिकल कॉलेज सिर्फ 9 वर्ष में बना डाले। यहां चित्रदुर्ग में भी नया मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है। इससे स्वास्थ्य सुविधा तो बढ़ेगी ही, यहां के मेरे जो नौजवान है ना, अब तो बेबी डॉक्टर पैरामेडिक्स का अवसर मिलेगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज मैसूर जिले के वरुणा विधानसभा सीट के सुतुरू और चामराजनगर के कोलेगल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो बेंगलुरु के BTM लेआउट इलाके में एक रोड शो करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक के तीर्थ हल्ली हासन के हरिहर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी आज चिकमंगलूर में एक रोड शो करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मंडिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा वो चिंतामणि, होसाकोटे और CV रमन नगर में रोड शो करेंगे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर के नेता HD देवेगौड़ा विभिन्न जगहों पर जनसभाओं और रोड शो में भाग लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बेंगलुरु में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसे कन्नड़ में सर्वजनांगदा शांतिया थोटा नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है सभी समुदायों के लिए शांतिपूर्ण उद्यान। घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देने के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 10 किलो चावल देने का भी आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रतिमाह, स्नातक बेरोजगार युवकों को 3,000 रुपये तथा डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवकों को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया गया है। साथ ही साथ सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की भी सुविधा देने का वादा हुआ है। घोषणा पत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 से बढ़ाकर 7% करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था को फिर से बहाल करने का भी वादा किया गया है। घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने और PFI पर पाबंदी जारी रखने का भी आश्वासन दिया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए पक्के वादों को लागू करने से पार्टी पीछे नहीं हटेगी। आज जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर NIA की छापेमारी चल रही है। NIA ने आतंकवाद के वित्त पोषण के संबंध में आज तड़के कश्मीर घाटी के विभिन्न स्थानों पर छापे मारे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पुलिस और CRPF ने एक संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुलगाम से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान दामहल हांजीपोरा के निवासी आबिद हुसैन भट्ट के रूप में की गई है। और ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। जद्दा से 10वीं आउटबाउंड उड़ान के जरिए 231 लोगों को विमान से अहमदाबाद लाया जा रहा है। इससे पहले कल पोर्ट सूडान से वायुसेना के 2 विमानों के जरिए 257 फंसे भारतीयों को जद्दा लाया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव दौरे के दूसरे दिन आज माले में राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल और लैंडिंग क्राफ्ट भी उपहार में सौंपेंगे। रक्षा मंत्री मालदीव में चल रही परियोजना स्थलों का दौरा करने के साथ ही प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले कल राजनाथ सिंह ने अपनी मालदीव समकक्ष मारिया अहमद दीदी और विदेश मामलों के मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी।
ईरान दौरे पर गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। ईरान के राष्ट्रपति ने भारत और ईरान के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन जैसे समूहों के उदय को नई विश्व व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया कि भारत तथा चीन के नेतृत्व वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र का विकास 2022 के 3.8% की तुलना में इस वर्ष 4.6% तक बढ़ने का अनुमान है। आईएमएफ ने अपने क्षेत्रीय आर्थिक सर्वेक्षण एशिया तथा प्रशांत की जारी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी। वॉशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया कि ये क्षेत्र वैश्विक विकास में लगभग 70% योगदान करेगा। एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र 2023 में विश्व के सबसे प्रमुख क्षेत्रों में सबसे अधिक गतिशील रहेगा। भारत तथा चीन के इस सर्वेक्षण में आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि इस क्षेत्र की दो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इस वर्ष वैश्विक विकास में लगभग आधे का योगदान कर सकती हैं। इसके साथ ही एशिया तथा प्रशांत की शेष अर्थव्यवस्थाएं अतिरिक्त पांचवें भाग का योगदान कर सकती हैं। एशिया की गतिशीलता चीन की स्थिति में सुधार और भारत के विकास से संचालित होगी। वहीं 2023 में अन्य क्षेत्रों के साथ एशिया के शेष भागों में विकास निचले स्तर पर रहने की संभावना है। इस बीच आईएमएफ ने बताया कि वर्ष 2023 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। कड़ी मौद्रिक नीति के कारण धीमी गति के वैश्विक विकास और रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर जारी रहेगा। आईएमएफ का कहना है कि मुद्रास्फीति के दबाव का बने रहना और अमेरिका तथा यूरोप में वित्तीय क्षेत्र की मौजूदा समस्याएं जटिल आर्थिक परिदृश्य में अतिरिक्त अनिश्चितता बढ़ाएंगी। और भारत आज से सिंगापुर के तट पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपना पहला समुद्री अभ्यास करने जा रहा है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली सिंगापुर पहुंच चुके हैं। अभ्यास का हार्बर फेज 2 से 4 मई तक चांगी नौसेना बेस में और सी फेज दक्षिण चीन सागर में 7 से 8 मई को आयोजित किया जाएगा। IMEE 2023 भारतीय नौसेना और आसियान नौसेनाओं को एक साथ मिलकर काम करने और समुद्री क्षेत्र में निर्बाध संचालन करने का अवसर प्रदान करेगा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस दिल्ली और एक स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सतपुड़ा विशाखापट्टनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। सिंगापुर में अपने पोर्ट कॉल के दौरान दोनों जहाज सिंगापुर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक के संचालन बोर्ड की 56वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आज सुबह दक्षिण कोरिया पहुंच गईं। वित्त मंत्री का दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत कुमार अमित ने इंचियोन हवाई अड्डे पर स्वागत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निवेशकों को भी संबोधित करेंगे और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। वित्त मंत्री के साथ एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी है। सीतारमण वैश्विक अर्थशास्त्रियों ADB के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे। इसके अलावा वैश्विक उद्योग जगत के दिग्गजों और निवेशकों के साथ गोलमेज में भाग लेंगे। वो प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरिया गणराज्य की यात्रा पर हैं। वित्त मंत्री ने आज दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासात्सुगु असागावा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत एशियाई विकास बैंक को नवाचार वित्तीय संचालन में हर तरह की मदद करेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण विवाद को लेकर उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल द्वारा अपने आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच सियासी घमासान लंबे अरसे से जारी है। पिछले कुछ दिनों से सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पुनर्निर्माण को लेकर विवाद चरम पर है।
मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। दरअसल सूरत के सेशंस कोर्ट ने मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई। जस्टिस हेमंत प्राचक की अदालत में दोपहर बाद सुनवाई शुरू होगी। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। 102 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। नगर निगम के 34 वार्डों में 93,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतगणना 4 मई को होगी। शिमला में आज सुबह से आसमान बादलों से घिरा हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने दिन भर तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। उधर खराब मौसम की वजह से सुबह मतदान की रफ्तार सुस्त है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी के मुताबिक शहर में 149 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 10 अति संवेदनशील, 40 संवेदनशील और 99 मतदान केंद्र सामान्य श्रेणी के हैं। चुनाव प्रक्रिया में 1,500 कर्मचारी और 500 पुलिस जवान तैनात हैं। 153 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कुल मतदाता 93,920 हैं। इनमें 49,759 पुरुष, 44,161 महिलाएं शामिल हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए सीधे चुनाव नहीं हो रहे हैं। चयनित पार्षद बहुमत से मेयर और डिप्टी मेयर चुनेंगे। पार्टी चिन्ह पर हो रहे इस चुनाव में प्रदेश के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। सभी बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और माकपा के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा और कांग्रेस ने सभी 34 वार्डों में उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी 21 और माकपा 4 वार्डों में किस्मत आजमा रही है। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात रोहिणी कोर्ट शूटआउट के आरोपी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो गई है। आज सुबह जेल में बंद एक बदमाश ने लोहे की ग्रिल उखाड़कर उस पर हमला बोल दिया। बदमाश ने लोहे की छड़ को टिल्लू के पेट में घोंप दिया। इस हमले में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। जेलकर्मियों ने उसे आनन फानन में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह 6:30 बजे DDU अस्पताल में टिल्लू ताजपुरिया की मौत हुई है। जिस बदमाश ने टिल्लू पर हमला बोला है उसका नाम योगेश टुंडा है। इस हमले में योगेश के साथियों ने भी उसका सहयोग किया। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। टिल्लू ताजपुरिया पर हत्या सहित कई अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों में तेज वर्षा और आंधी की चेतावनी जारी की है। देश के उत्तर पूर्व, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में मौसम मध्यम से भीषण आंधी तूफान चलने, बिजली चमकने और ओलावृष्टि का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने देश के कुछ प्रमुख हिस्सों में व्यापक वर्षा और आंधी तूफान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश में आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के कोस्टल एरिया को छोड़कर लगभग सभी जगहों में बारिश और थंडर स्टॉर्म हो सकता है। मौसम विभाग ने आज के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। और राजधानी दिल्ली सहित देश के अधिकांश राज्यों में हाल में हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में आए बदलाव के विषय में हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की है भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र से। और NCR समेत महाराष्ट्र को छोड़कर अधिकांश राज्यों में मई के महीने में फरवरी जैसा मौसम का एहसास बारिश के चलते हो रहा है। क्या है मौसम में बदलाव की वजह और क्या रहेगा भविष्य में मौसम का सूरत हाल, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। सर, अगर बात करें अमूमन गर्मी
आ जाती है, मई के महीने में चिलचिलाती धूप रहती है, लेकिन इस बार मौसम बदला हुआ है, क्या वजह है इसकी? देश के अधिकांश हिस्सों में थंडरस्टॉर्म रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और ये स्थिति अगले दो दिन के लिए जारी रहेगा। अधिकांश राज्यों में सिर्फ कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र को छोड़ के रेन या थंडरस्टॉर्म हो सकता है, इसके साथ साथ लाइटनिंग हो सकता है और कुछ इलाके में भी हेलस्टॉर्म होने का उम्मीद किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर जा रहा है और इसके प्रभाव में अरेबियन सी से मॉइस्चर इंकर्शन हो रहा है और एक विंड कन्वर्जेंस लाइन एग्जिस्ट कर रहा है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक। सो बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर आ रहे हैं, इसलिए अभी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है बहुत फेवरेबल है। मौसम में बदलाव की वजह है, मुख्य वजह क्या है और कौन कौन से, अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखें तो कौन कौन से इलाके जहां बारिश होनी है अगले दो दिन में और कौन से इलाके जहां अभी इसका असर नहीं है? लगभग सभी राज्यों में हम वार्निंग दिए हैं, जैसे ऑरेंज कलर वार्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में है और पेनिनसुला में तमिलनाडु तक भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है और वेस्टर्न इंडिया में येलो कलर वार्निंग रखा गया, जैसे गुजरात राजस्थान और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटक और केरला के ऊपर। और इसलिए सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा आपका जम्मू कश्मीर से शुरू करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इस बारिश का खेती और किसानी से कितना संदर्भ है, फायदा और नफा नुकसान दोनों के संदर्भ में? जो अभी बारिश हो रहा है जैसे पेनिनसुला इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में या सोइंग वगैरह के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, जो ड्राई एरिया में सोइंग करते हैं मई महीने में, जैसे अक्षय तृतीया अभी चला गया, अक्षय तृतीया दिन में बहुत सारे इलाके में सोइंग शुरू होता है, इसलिए ये हेल्पफुल हो सकता है। मगर जो हेलस्टॉर्म वगैरह हो रहा है, कहाँ स्ट्रांग विंड हो रहा है, जो अभी स्टैंडिंग क्रॉप्स है, इसमें भी नुकसान हो सकता है। तो ये भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, जिनका मानना है कि राजधानी दिल्ली एनसीआर और महाराष्ट्र में कोस्टल एरिया को छोड़कर देश के अधिकांश राज्यों में अगले दो दिन में न केवल बारिश की संभावनाएं बनी रहेगी बल्कि तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावनाएं भी बनी रहेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन महेश के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। और बात करें बाजार की तो घरेलू शेयर बाजार में आज हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत हुई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर निफ्टी 18,100 का स्तर पार कर गया है। अब तक के कारोबार में अडानी ग्रीन के शेयरों में 5%, जबकि IDFC फर्स्ट बैंक के शेयरों में 3% की बढ़त दिख रही है। आज बाजार में चौतरफा खरीदारी दिख रही है। मेटल और PSU बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में मजबूती नजर आ रही है। इससे पहले बाद को सेंसेक्स 463 अंक उछलकर 61,112 पर और निफ्टी 150 अंक मजबूत होकर 18,065 पर बंद हुए थे। सोमवार को यानी कि कल महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर बाजार में कारोबार बंद था। वहीं ग्लोबल मार्केट से आज मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। पिछले कारोबारी सत्र में वॉल स्ट्रीट के तीनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए थे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व कल ब्याज दरों को लेकर फैसला करने वाला है। ब्याज दरों के बढ़ने की आशंका की वजह से पिछले कारोबारी सत्र में अमेरिकी जो बाजार है उस पर लगातार दबाव बना रहा। यूरोपीय बाजारों में लेबर डे की वजह से पिछले कारोबारी सत्र में छुट्टी रही, तो वहीं आज एशियाई बाजार आमतौर पर मजबूती के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। भारत के अलावा एशिया के 9 बाजारों में से 2 में गिरावट का रुख है, जबकि 6 बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में आज छुट्टी है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर पावलोहलाद पर कई मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 34 लोग घायल हो गए हैं और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। घायल होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के संपूर्ण राजधानी क्षेत्र में तड़के 3:00 लगभग 45 मिनट पर हवाई हमले के सायरन बजने लगे। इसके बाद विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी, क्योंकि इन मिसाइलों को यूक्रेनी रक्षा प्रणालियों ने रोक दिया था। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ वालेरी जारोजनी ने कहा कि मर्मांस्क क्षेत्र और कैस्पियन क्षेत्र में कुल मिलाकर 18 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं और उनमें से
15 मिसाइलों को रोक दिया गया। कीव शहर के प्रशासन के प्रमुख सेर्ही पोपकू ने कहा कि शहर में दागी गई सभी मिसाइलों और कुछ ड्रोन को मार गिराया गया। उन्होंने कहा इस बारे में अधिक जानकारी बाद में उपलब्ध होगी। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन अगले हफ्ते जब कोरोना वायरस के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति समाप्त होगी तब अंतिम शेष संघीय कोविड 19 वैक्सीन आवश्यकताओं में से अधिकांश को समाप्त कर देगा। अमेरिका जाने वाले संघीय कर्मचारियों, संघीय ठेकेदारों और विदेशी हवाई यात्रियों के लिए टीके की आवश्यकताएं 11 मई को समाप्त हो जाएंगी। आवश्यकताएं संघीय सरकार द्वारा टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ उपायों के अंतिम अवशेषों में से हैं और उनका अंत इस बात का नवीनतम प्रदर्शन है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन कोविड 19 को एक उपचार के रूप में कैसे आगे बढ़ा रहा है। फ्रांस में राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के पेंशन सुधार के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने के लिए हजारों लोग मजदूर दिवस के अवसर पर सड़कों पर उतरे, जिसके बाद कल पूरे फ्रांस में प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों के साथ भिड़ गए। आंतरिक मंत्री गेराल्ड गैवन ने कहा कि मुख्य संघ के नेतृत्व वाले मार्च के इधर शहरों में हिंसा भड़कने के कारण पूरे फ्रांस में कम से कम 108 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और 291 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पेरिस में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर प्रोजेक्टाइल फेंके और बैंकों और एस्टेट एजेंटों जैसे व्यवसायों की खिड़कियां तोड़ दी। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और वाटर कैनन के साथ जवाब दिया। और फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो पहले हाई कोर्ट का रुख करें। वकील निजाम पाशा ने मामले को जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच के सामने उठाया। कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि याचिकाकर्ताओं ने हेट स्पीच के मामले में ही इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन दायर कर कोर्ट से दखल की मांग की है। कोर्ट का कहना है कि मामले में हाई कोर्ट में अलग से याचिका दाखिल की जा सकती है। और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो मौत की सजा के मामले में फांसी की जगह किसी कम तकरीरदेह तरीके का इस्तेमाल सुझाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जुलाई में मामले की सुनवाई करेगा। वकील ऋषि मल्होत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब उन्होंने देखिए तस्वीरें हैं जब वो चित्रदुर्ग में मौजूद थे अभी और उन्होंने वहाँ पर ढपली बजाई, तो ये दर्शाता है कि वो किस तरह से जो संस्कृति है उसको सहेजने का प्रयास कर रहे हैं, विरासत को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। वो ढपली बजाकर इस बात की वानगी प्रस्तुत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये चित्रदुर्ग की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों के साथ ढपली बजाई। चुनावी समर है, तमाम नेता रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी कला और संस्कृति के प्रति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेम है वो गाहे बगाहे नजर आ ही जाता है और उसी की कुछ तस्वीरें आपने ये भी देखी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर लगातार जारी है, आगे आप एक्सप्रेस न्यूज देखेंगे आंचल गुलाटी कुंभर के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।